नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान ग्रुप के ठिकानों के ऊपर ड्रोन से किया हमला, काबुल धमाकों के मास्टरमाइंड को मार गिराया। कुकर में फंस गया मासूम बच्चे का सिर, तभी चिकित्सक ने निभाया अपना धर्म। स्टल के नौक पर अपहरण कर फिरौती मांगने वाले गिरोह के मुख्य सरगना सहित तीन आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। यह हमला अफगानिस्तान के नगरहार प्रांत में किया गया है जो कि पाकिस्तानी सीमा से लगा हुआ है और आईएसआईएस का गढ़ भी माना जाता है। यहां अमेरिका हमले में काबुल धमाकों का मास्टरमाइंड मारा गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन ने मध्यम पूर्वी की किसी अज्ञात लोकेशन से बीती रात उड़ान भरी और आईएसआईएस के आतंकियों को उस वक्त मार गिराया जब वहां अपने दूसरे सहयोगी के साथ कार में सवार थे। ये दोनों अमेरिकी हमले में मारे गए हैं। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के फियादीन हमला किया गया जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 170 लोग मारे गए थे। इसके बाद में अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि काबुल हमले का बदला लिया जाएगा और आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला करवाने वालों के बारे में जानते हैं और उन्हें सही समय और सही जगह पर करारा जवाब दिया जाएगा। इसके 36 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने बीती रात आईएसआईएस खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी। खबर 12 के छिपापड़ौत से है जहां पर थाना पुलिस ने छिपापड़ौत से बिहार भेजे गए 100 क्विंटल लहसुन को खुर्द बुर्द करने के मामले में एक आरोपी को महाराष्ट्र से एक ट्रक सहित गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक 12 विनीत कुमार बंसल ने बताया कि 8 अगस्त को छिपापड़ौत थाने पर परिवादी मनोज गर्ग निवासी पुलिस थाने के पीछे छिपापड़ौत ने रिपोर्ट दी थी जिसमें 232 बैग लहसुन जिनका वजन 100 क्विंटल है, एक ट्रक ड्राइवर ने उक्त लहसुन को बीच में चोरी करके हड़प लिया इत्यादि पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर 19 अगस्त को मुलजिम आमिर उर्फ टुन्ना को बिंदाई की जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश से लहसुन बिक्री 2,20,000 रुपए सहित गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर अनुसंधान कर सह आरोपी मोहम्मद कमरू शेख उर्फ राजू निवासी थाने सिटी महाराष्ट्र को लहसुन परिवहन में प्रयुक्त ट्रक सहित जिला थाने के अंदर सिटी से गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि छिपापड़ौत में राजस्थान की सबसे बड़ी लहसुन मंडी है। मुलजिम आमिर उर्फ टुन्ना पूर्व में एवन रोड लॉयंस ट्रांसपोर्ट छिपापड़ौत में मालिक सोनू उर्फ अफजल के पास में ट्रक लेकर लहसुन लेने आया था। आमिर उर्फ टुन्ना का सोनू उर्फ अफजल से अच्छा संबंध था जिसके बाद में उसे ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर खुर्द बुर्द करने की योजना बनाई। सौ क्विंटल लहसुन को खुर्दबुर्द करने का मामला सामने आया। जो व्यापारी है उसने इस प्रकार की FIR दी कि मैंने इतना 100 क्विंटल का लहसुन पटना भेजा था लेकिन वो पटना नहीं पहुंचा है। इस पर जब अनुसंधान किया गया, अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि उस जो उसको ट्रक ड्राइवर जो था उसने उसको रास्ते में खुर्दबुर्द कर लिया। उस ट्रक ड्राइवर को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। उस ट्रक ड्राइवर के नशादेही से और उस ट्रक ड्राइवर की पूछताछ से सामने आया तो उसका एक और आरोपी था जिसको कि हनारवी अब हमारी एक टीम जो है छिपापड़ौत से महाराष्ट्र थाने से गिरफ्तार करके लाई है और उस ट्रक को हमने जब्त कर लिया है। आगे अनुसंधान जारी। खबर आगरा से है जहां पर राजा मंडी रेलवे स्टेशन के पास स्थित MM चैरिटेबल हॉस्पिटल में शुक्रवार को एक गंभीर मामला सामने आया जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। एक परिवार अपने बच्चे को लेकर के पहुंचा जिसके सर में कुकर फंसा हुआ था और निकालने पर वह नहीं निकल रहा था। बेटी की हालत देखकर माता पिता का रो रोकर बुरा हाल था तो वहीं इस बच्चे को देखकर डॉक्टर फरहात के आदेश पर हॉस्पिटल की पूरी टीम मासूम बच्चे को बचाने में लग गई। चिकित्सक फरहात की टीम बच्चे को चिकित्सा उपचार देने के साथ ही बच्चे के सिर में फंसे कुकर को निकालने में जुट गई। चिकित्सा टीम ने बहुत ही होशियारी के साथ में बच्चे के सिर में फंसे कुकर को ग्राइंडर मशीन से काटकर बाहर निकाला और बच्चे को सकुशल माता पिता को सौंप दिया। चिकित्सा टीम घंटों तक बच्चे के उपचार में लगी रही तो दूसरी ओर दुआओं का दौर भी चलता रहा।
बच्चे के परिजनों पर इलाज के पास में उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन चिकित्सक फरहात ने इंसानियत निभाते हुए बच्चे का निःशुल्क इलाज किया। बच्चा अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर फरहात ने बताया कि बच्चे के सिर में कुकर फंसा हुआ था। परिजनों को भी नहीं पता था कि कैसे बच्चे का सिर उसमें फंस गया। परिवार रोता हुआ आया और बच्चे की स्थिति देख बड़ी सावधानी के साथ में इस उपचार को अंजाम दिया गया। बच्चे के माता पिता ने बच्चों को सकुशल होने पर MM हॉस्पिटल की टीम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि MM चैरिटेबल के मालिक डॉक्टर फरहात ने एक नेक और दरिया दिली इंसान है जो कि गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। आज हमारा बच्चा भी उन्हीं के कारण सकुशल है। पर रायबरेली जनपद से है जहां पर कोरोना टीकाकरण को लेकर जमकर धांधली की जा रही है। ऐसा एक मामला खीरो CHC के अंतर्गत ग्राम पंचायत भीतर गांव से निकलकर सामने आया है, जहां पर हजारों लोग कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर दर दर भटक रहे हैं। 27 अगस्त को भीतर गांव निवासी फुल बेगम के दरवाजे कोरोना का टीकाकरण होना सुनिश्चित हुआ था, परंतु विभाग की लचर कार्यप्रणाली के चलते दोपहर 12 बजे तक शुरू नहीं हो सका। इतना ही नहीं, यह भी मामला प्रकाश में आया कि यहाँ पर पहले एक टीम आकर लोगों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व उनकी डेट ऑफ बर्थ का रजिस्टर में लिख कर चली गई। हड़कंप उस समय मच गया जब दूसरी टीम आती है और उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी 10 बजे से थी, लेकिन मैं 12 बजे आ रहा हूँ, मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। विभाग द्वारा अभी तक मुझे वैक्सीन नहीं प्राप्त हुई है, मैं जनता को कैसे लगाऊं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 बजे से लगभग 100 लोगों के आधार कार्ड व मोबाइल नंबर जमा कर लिए गए थे, जिससे वह दूसरी टीम लेकर चली गई। तो यहाँ क्या करने आए आप? यहाँ वैक्सीन लगवाने लगवाए आधार जमा कराए, उसके बाद उनके चले गए। कहाँ चले गए वो लोग, कुछ पता है? साहब आप तो बच्चा अंदर याद में, हम कहा जानी। चलो अच्छा ठीक है। नाम आपका? तारा देवी। क्या है आप? ये नाम। अभी यहाँ पे टीकाकरण का समय कितना था? 10 बजे का था, लेकिन वैक्सीन जिले से अब आई है ना। जिले से आप अभी तक कहाँ थी? हम अपने वही सीएससी में खड़े थे। यहाँ कितनी देर सीएससी में? एक सेकंड, तुम्हारे आने का समय यहाँ कितनी देर से है? यहाँ जो है जब बैठने हम नहीं नहीं 10 बजे का, 10 बजे से। लेकिन इस समय क्या बज रहा है? अब चाहे जितना समय हो पर देख लीजिए कितना बज रहा है। इस समय पे 12 बजा। अब वैक्सीन आई है? वैक्सीन अभी आ रही हम लेके। अभी वैक्सीन नहीं आई, आप स्वयं आ रहे हैं। आपके आने का समय 10 बजे, लेकिन अब आ रहे हैं 12 बजे। तो क्या करें, जब वैक्सीन है नहीं तो हम उसी हिसाब से आ रहे। तो आप घर पे थी? अब तक कहाँ थी? घर पर नहीं थे, हम CHC में खड़े थे। जब वैक्सीन वहाँ से निकली तो हम खुद आए हैं। अच्छा ठीक। आपका? रानी। यहाँ पे क्या करने आई हम? टीका लगाओ। टीका लगाओ आपके? नहीं। क्या हुआ? अरे यहाँ अच्छा। खबर श्री गंगानगर से है जहां पर राजस्थान मेघवाल परिषद के द्वारा धनाराम मेघवाल को राजस्थान मेघवाल परिषद जिला अध्यक्ष श्री गंगानगर के पद पर मनोनीत किया गया है। महावीर प्रसाद जिला संयोजक श्री गंगानगर की अनुशंसा पर आपकी कार्यशैली, कार्यकृत निष्ठा व सामाजिक सेवा के कार्यों को देखते हुए धनाराम मेघवाल को जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। वहीं जिला अध्यक्ष के पद पर धनाराम मेघवाल के मनोनीत होने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं समाज के लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करूंगा। वहीं राजस्थान मेघवाल परिषद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने एवं लोगों को समाज के साथ में जोड़ने का अथक प्रयास करूंगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनाराम मेघवाल हमेशा ही गरीबों के मसीहा रहे हैं। उनके द्वारा हर सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाने के साथ ही समाज सेवा के अंदर अहम भूमिका निभाई गई है। वहीं धनाराम मेघवाल ने समाज सेवा करने के लिए अपना राजकीय पद भी त्याग दिया है। खबर भीलवाड़ा के आसन से है जहां पर करेड़ा थाना पुलिस ने पिस्टल के नोक पर अपहरण कर फिरौती मांगने वाले गिरोह के मुख्य सरगाना सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पिस्टल, जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार गोदारा ने बताया कि 15 अगस्त 2021 को राजकीय बांगर चिकित्सालय पाली से सूचना मिली कि काला पीपल की ढाणी रोहित निवासी सुरेश दर्जी 47 वर्षीय गंभीर मारपीट के चलते भर्ती है, जिस पर पुलिस चौकी पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली, जिसमें पीड़ित सुरेश दर्जी ने बताया कि वे 13 अगस्त को करेड़ा थाना क्षेत्र की डांग का खेड़ा में अपने रिश्तेदार पिस्ता टेलर के यहाँ पे मोटरसाइकिल से आया हुआ था, जहाँ पर डांग के खेड़ा निवासी पिस्ता, करेड़ा निवासी विजय प्रकाश उर्फ राजू, ओजापुर निवासी चेतन शर्मा,
आजाद नगर भीलवाड़ा हाल गंगापुर निवासी अजय उर्फ जीतू जैन ने मिलकर सुरेश दर्जी का अपहरण कर लिया और फिरौती के रूप में बंदूक की नोक पर सुरेश दर्जी व उसके वारसीन से 1,00,000 की फिरौती मांगी। फिरौती की राशि नहीं मिलने पर आरोपियों ने सुरेश दर्जी को 3 दिन तक बंधक बनाकर गंभीर रूप से मारपीट की। जैसे सुरेश के हाथ पैर कूले सिर व पीठ पर गंभीर चोट आई है, जिस पर आरोपियों ने अपने बचाव के लिए पीड़ित सुरेश को भीलवाड़ा लेकर जाकर कानूनी सलाहकार के मार्फत फर्जी स्टाम्प लिखवाए गए और जोर जबरदस्ती हस्ताक्षर भी करवाए गए। वापस डांग का खेड़ा पहुंचे और रुपयों की गरज से सुरेश के साथ में गंभीर मारपीट की, जिससे सुरेश की हालत और बिगड़ गई। जैसे आरोपी घबरा गए और आनन फानन में कार से सुरेश को 15 अगस्त को अल सुबह अंधेरे का फायदा उठाकर महाराणा प्रताप सर्किल पाली के पास में पटक कर चले गए, जिसके पास में पुलिस ने पीड़ित की पत्नी विमला देवी की रिपोर्ट पर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खबर सिरोही से है, जहां पे मानवता की एक मिसाल पेश की गई है। अर्जेंट रक्त की जरूरत पड़ने पर अशोक कुमार परमार एवं विकसा आबूराज ने रक्तदान किया है। राजस्थान के मेघवाल ब्लड सेवा हर समय रक्त के लिए तैयार रहती है। आज एक भाई को रक्त की जरूरत पड़ने पर अशोक कुमार ने सामने से जाकर रक्तदान किया। अशोक कुमार ने बताया कि मैं 2 बार रक्तदान किया और रक्तदान करके मुझे अच्छा लगा। समाज के युवाओं से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें और राजस्थान मेघवाल ब्लड सेवा से जुड़े। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।